Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. तो आज के हमारे वीजेएन यूनिवर्सिटी के मिस्टर फ्रेशर 1992 के विनर हैं मिस्टर समीर महेश्वरी. देखा कार्तिक, चोरी करने का नतीजा तुम्हारे सामने है. और अब बारी है मिस फ्रेशर 1992 के विनर का नाम अनाउंस कर. एंड द विनर इज के मिस्टर और मिस फ्रेशर हैं समीर एंड सुनैना. जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि कुछ चीजें हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं, लेकिन एक बार जीने, एक बार मरने और एक बार प्यार करने के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं. हम कॉलेज भी एक ही बार जाते हैं और पहले साल में पहली बार स्टेज पर जाना भी एक ही बार होता है. और उस पहली बार के कंपटीशन में मैं हार गई. हारने से ज्यादा दुख इस बात का था कि चाहे आगे कुछ भी कर लूं, लेकिन 1992 के फ्रेशर्स के विनर्स की लिस्ट में समीर का नाम तो अब हमेशा सुनैना के साथ ही लिया जाएगा. हाँ. नैना, ट्रॉफीज के साथ मेरा रिश्ता काफी दूर का रहा है. कॉलेज का पहला साल और हाथ में थमी हुई ट्रॉफी, ये मेरे लिए वैसे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी असली जीत नैना की हंसी में थी जो कहीं खो गई थी. तो मैं कैसे चुपचाप हाथ पर हाथ, हाथ में ट्रॉफी रखकर खड़ा रहता. 1992 में वीजियन यूनिवर्सिटी में मिस्टर और मिस फ्रेशर तो चुने गए थे, लेकिन इस बात को साबित करने वाली फोटोज कहीं नहीं है. जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं मिस फ्रेशर को छोड़कर अपनी असली मिस के पास जाके खड़ा हो गया था. इट्स टाइम फॉर ए फोटोग्राफ. तुम्हारे कपड़े ठीक से नहीं है. थैंक्स. Oh,
तो रखा था स्टैश। अरे अभी अभी तो तुम्हारे पास ही था ना। हाँ यहाँ पे रखा था मैंने। क्या हुआ? मैम मैंने वहाँ पे स्टैश रखा था, पता नहीं कहाँ गया। रेड रोज ना चला गया हो कुछ खाने पीने। JBR। अरे कहाँ चला गया स्टैश? ढूंढो। Okay, let's not waste more time now. आप ऐसी फोटो ले लो without stash. चलो। समीर, अब ये कहाँ चला गया? मैडम, यहाँ कोई मैजिशियन तो नहीं आया हुआ? पहले मिस फ्रेशर का स्टैश गायब हुआ और अब मिस्टर फ्रेशर ही छूमंतर हो गया। चल ना। क्या है स्वाति, यहाँ क्यों लाई है? अब तेरे प्यारे से चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाने के लिए, और वो स्माइल हम लेकर आएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब। यहाँ फोटो सेरेमनी तो वहाँ चल रही है। चल पंडित, हो जा शुरू, क्योंकि हमारे लिए तो तुम ही हमारी मिस रेशर हो। अक्सर हीरोइंस तब खुश होती हैं जब हीरो उनके लिए चांद तारे तोड़ लाए, और एक मैं थी जो चुराए हुए सैश और ट्रॉफी पाने पर बड़ी खुश हो रही थी। वैसे तरीका कोई भी हो, नियत में सच्चाई होनी चाहिए, और समीर की नियत में तो प्यार की सच्चाई थी। बिल्कुल सही चीजा जी। अरे यार साथ में, साथ में, साथ में, साथ में अच्छे लगते दोनों। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो, तमन्ना इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। क्या पता है तुम्हें, क्या पता। अरे यार तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे हमने तुमको सजा दे दी। कोई मस्त सा पोज वोज बनाओ ना। अरे चैंपियन टाइप पोज करो। एक सेकेंड। अरे वाह, क्वीन एलिजाबेथ लग रही हो। ए पंडित, एक हम सबके साथ भी हैं। सब साथ साथ आ जाओ। अरे काम्या, इसकी ना रील नहीं चल रही यार, एक बार चेक करना। हट। मेरे को लगता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया। पागल कहीं का। इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो।
दिनों हर प्यार करने वालों के चेहरे में मुझे अपना और समीर का चेहरा दिखाई देता था। उस दिन जब बाइक पर मैंने उन दोनों की जगह खुद को और समीर को देखा तो हमेशा की तरह घबराहट तो हुई पर दिल में थोड़ी सी गुदगुदी भी हुई। शायद वो उम्र ही कुछ ऐसी थी, शायद वो प्यार ही कुछ ऐसा था। देखा, ऐसे लेते भी। ओ भाई, ये जमाना आ गया आजकल, जरा भी शर्म नहीं आजकल के बच्चों में। बताओ, अभी जमीन पे पैर पड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, और मोटरसाइकिल में फुर्र 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 ऐसे भरे बाजार में रास्ते लेना चाह रहे। जी तो कर रहा है कि तौल के नीचे थप्पड़ लगाऊं और इनके माँ बाप के पास पकड़ के लेके जाऊं और जूते पड़वाऊं। हद हो गई, देखो कैसे चिपक के बैठे हैं बेशरम। एक हमारा भी जमाना था, हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे ताऊ जी को कभी उंगली से भी छुआ हो। पता है तुम दोनों क्या तमाशा देख रही हो हैं? कान खोल के सुन लो, तुम दोनों ने ये लक्ष्मण रेखा पार की ना कभी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों की, समझी? जी जी, जी जी। एक जमाना था जब लड़का और लड़की का एक कमरे में सिर्फ खड़े रह जाना पाप माना जाता था, और फिर अगली जेनरेशन में को एजुकेशन बेशर्मी की बात मानी जाती थी। और फिर आया 90s में तो लड़का और लड़की एक साथ बाइक पर बैठे नजर आ गए तो स्कैंडल ही नहीं महा स्कैंडल बन जाता था। अब ऐसे में हमारे लिए अपना नाम आशिकों की लिस्ट में सुनहरे अक्षरों में लिखवाना कितना कठिन हो गया था, समझ सकते हैं आप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।